ग्राउंड में गया हूँ, पर देखे सब लड़के हमका नियम मर दे आर्मी के तना फैन। टाइम पास मत करिएगा क्योंकि जनरेशन बहुत चेंज हो चुका है नीलेश भाई। एक नॉर्मल फौजी बने तो फौजी बनने के कितने दिन बाद मतलब आप पैरा कमांडो बने? मैंने अप्लाई किया, उसका मेरे को टेस्ट हुआ, उसके बाद मैं यूनिट में टेस्ट दिया, फिर मैं वहाँ क्वालिफाइड किया, फिर जाके मेरे को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। जय हिंद एवरीवन। सबसे पहले तो हाँ, सभी लोगों को इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है मेरे भाई, क्योंकि तो हमारे सामने जो भैया बैठे हैं ना, मैं इनसे मिलने के लिए बहुत दिनों से तरस रहा था और काफ़ी दिनों बाद अभी भैया हमारे पास आए हैं। और ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ठीक है ना, ये भैया एक पैरा कमांडो हैं और ये भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, मेहनत करने के बाद आज अपना मंजिल पा लिए हैं। सबसे पहले तो भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास आने के लिए। थैंक यू सो मच। और भैया आपका कहानी कहाँ से शुरुआत हुआ था, जैसे मतलब कहाँ से आपके दिमाग में आया कि हमको फौजी बनना चाहिए? सबसे पहले हम आपको तहे दिल से नमस्ते और जय हिंद करते हैं, क्योंकि हम भी आपको वीडियो जब जहाँ भी जिस लोकेशन में हम जाते थे तो वहाँ पर जब भी हमको टाइम ड्यूटी से डाउन होते थे या कभी भी अदरवाइज जब भी टाइम मेरे को मिलता था तो मैं यूट्यूब जब खोलता था तो सबसे फर्स्ट में आपका ही वीडियो मैं देखता था, क्योंकि उससे मेरे को बहुत सीख भी मिलती थी, क्योंकि आप एक यूट्यूबर हैं जो लाखों में हैं और बहुत लोग आपके फैंस हैं, तो हमको बहुत खुशी होता है। ज़्यादा मोटिवेट बच्चों को करते हैं, जो भी अपने भाई या भैया जो भी जिस रैंक का जो जिसको आप मानते हैं तो उसको काफ़ी मोटिवेट करते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है और आपसे मेरे को भी सीख मिलता है। फौज में हो गए तो हमको सीख नहीं, हमको भी देखो ज्ञान ऐसी चीज़ है, शिक्षा ऐसी चीज़ है कि इंसान को कितना भी कर ले उसको कम ही लगता है। जब मैंने अपना स्ट्रगल शुरू किया तो सबसे पहले जब मैं छोटे थे, अपनी विद्यालय में जब पढ़ने के लिए जाते थे, मैं वही 6-7 साल के उम्र में थे, तो ही गरीबी परिवार से हम यहाँ तक अगर आए हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके आए हैं। पढ़ के जब आते थे तो जब गांव में जब पुलिस आते थे, कोई झगड़ा उगड़ा होता था या कोई वैसे मारकाट करता था तो गाँव में पुलिस आती थी, मैं उनके पास जाता था। पहले बहुत डर लगता था, पहले के जो पुलिस थे या पहले के जो आदमी थे थोड़ा सा डिफॉल्टर टाइप होते थे, डर लगता था। तो उनका उस टाइम बंदूक था, उस टाइम पता नहीं कौन सा बंदूक, अभी तो मेरे को पता है कि कौन क्या बंदूक है, कौन कौन सा हथियार सब पता है मेरे को। अभी तो उसका किंग बन गया अभी नहीं है। तो उस टाइम हम जब देखते तो मेरे को डर लगता था। आस पड़ोस के जो आदमी रहते थे वो भी डर जाते थे, अरे पुलिस आया है, पुलिस आया है। तो मैं यार सोचता था यार पुलिस से इतना डर रहे हैं लोग। तो हमारे दिमाग में वही आया कि नहीं, हमको पढ़ के अब पुलिस बनना है। ठीक है, मैंने अपना सपना लेके पुलिस में, ताकि हम भी कल को अगर सक्सेस हो जाएंगे तो हम भी पुलिस में हो जाएंगे तो हमसे भी लोग डरेंगे। ऐसे सिविल में कौन किससे डरता है, सिविल पहनेंगे, मैं भी बंदूक लेके जाएंगे, किसी गाँव में जाएंगे तो डरेंगे। तो मेरा सपना पुलिस का पहले था। हम आप आर्मी को जानते थे कि नहीं, जैसे सिर्फ आपके दिमाग पुलिस चल रहा था या आर्मी भी चल रहा था? नहीं, स्टार्टिंग में मैंने बचपना में तो जितना मेरे पास दिमाग था तो मेरे दिमाग में था कि हमको पुलिस बनना है। पर जैसे जैसे हम बड़े हुए, समझदार हुए, तो चारों तरफ यही बोलता कि गाड़ी देते थे इंडियन आर्मी, कहीं देते थे कि मतलब फौजी कहीं लिखा है, कहीं कहीं लिखा है। और जब वो लोग छुट्टी आते थे तो हर ग्राउंड में जाते थे, सब लोग घेर लेते थे, ऐसे लगता था कि पूरा ज्ञान का पूरा उसी के पास है, फौजी का पूरा फौजी का ज्ञान इसी के पास है। तो मैं कुछ बोलता नहीं था उसको, फिर मैं ध्यान से सुनता था उसकी बातों को, उसको सुनता था कि ये अपने फौज के बारे में क्या बता रहा है और कैसे तैयारी के लिए कैसे मोटिवेट कर रहा है। फिर मैं सुनते गया सुनते गया, फिर मेरे दिमाग में आ रही पुलिस से अच्छा तो ये आर्मी है, आर्मी है, जुनून भी है और इसके साथ साथ कितना जलवा है, कहीं भी जाओ बहन एकदम ट्रैक सूट में और जो हेयर कट है ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है फौज का। मेरे को अगर ऐसे कोई सिविलियन रह जाएगा और हेयर कट कटवा कहीं जाएगा तो आपको भी दिल में आएगा यार ये फौजी होगा, ये भले फौज में ना हो पर ये लगेगा कि ये फौज में होगा। तो कुछ लोग का ऐसा होता है कि शरीर भी पूरा लंबा चौड़ा 6 फुट का रहेंगे और हेयर कट रहेगा, उसको देखते कि नहीं बड़े अरे पहुंची तो फौजी है यार, भले उसको पता कि मैं फौजी नहीं हूँ। 2009 में मेरे दिमाग में आया कि मैं 2009 में एनसीसी किया, स्टार्टिंग किया, तो मैं जाके गोरखपुर वहाँ से एडमिशन कराया, वहाँ पे फिजिकल दिया कि जैसे लगता है कि आर्मी इसी को बना दिया, एनसीसी को, एनसीसी को पहले, हाँ पहले ही हम सोचे यार। तो उस टाइम वही 25-30 लड़का छोड़ता था और 2 फर्स्ट सेकंड लड़का पकड़ता था, तो मैं सोचा यार इतना लड़का छोड़ रहा है, पता नहीं हम इसमें आएंगे कि नहीं, मतलब हमारे दिल में डर था। पर वो बोलते हैं ना कि उड़ान भरने वाला कभी सोचता नहीं है, उड़ान अपना भरता तो ये नहीं सोचता कि हम गिरेंगे कि जब जिएंगे कि मरेंगे, ये नहीं सोचता, उड़ान भरने को भर देता है। जैसे गो बोला
तो मेरे दिमाग में यही था कि हमको सबको मिला के चलना था। जब एनसीसी लिया तो जब मैंने एनसीसी का वर्दी पहन के जब अपने गांव में आया तो मेरे को ऐसे फील हुआ कि अब हम आर्मी में हो गए। आर्मी में हाँ, इतना ज़्यादा मतलब होता है ना कि कितना ज़्यादा गर्व महसूस किए कि हम हो गए आर्मी में। करने लगे तो हम बोले, कोई बोला कि हम आर्मी के, जिससे पूछ रहे कि भाई पुलिस का तैयारी करते लगा, कहता ना भी हम पुलिस का तैयारी, हम आर्मी वाला है। हम कह नहीं मर्द आर्मी के इतना फैन, कहता अरे भैया अगर वो मिल जाए तो हमको जन्नत मिल जाएगी। तो हमारे दिमाग में तभी से आया कि नहीं हमको आर्मी में जाना, और वहीं से अपना पुलिस का लाइन बदल करके आर्मी का लाइन पकड़ लिए। हाँ। मैंने 3 साल दौड़ा। हाँ। 3 साल मैंने रनिंग किया। तो आप एक्सेप्ट करते, मेरे को बहुत गर्व होता है कि ये इतना बड़ा लाखों में जो है चल रहे हैं। नहीं, हम बड़े हैं। नहीं बड़े तो आप लोग नहीं, देखिए इससे बड़ा देश में कोई नहीं है। ठीक है, देखिए जो देश चला रहा है वो भी आपसे बड़ा नहीं है। अब भले से कोई कुछ भी बोला है लेकिन जो देश चला रहा है ना, जो देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वो भी आप लोगों से बड़े नहीं है। सबसे बड़े आप ही लोग हैं, ठीक है ना। आर्मी के अंदर पहले पेपर हो गया है। हाँ। तो मतलब उसके बारे में भी कुछ बोल दीजिए, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं। जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी पहले वाला जनरेशन नहीं रह गया है। हाँ। क्योंकि अभी हो गया पढ़ाई पर डिपेंड। हाँ, पढ़ाई पर। आप पढ़ाई के ऊपर डिपेंड हैं, और क्योंकि हर चीज़ पहले पढ़ाई, आपकी क्वालिफिकेशन, हर चीज़ और सब कोई देख रहा है। हाँ। आपके अंदर कितना काबिलियत है। तो पहले चना खा करके, रस पी करके सब रनिंग करते थे, भागते थे, भूत की तरह तो मारते थे। अभी वो नहीं रह गया। आप इम्पोर्टेंट है आपकी पढ़ाई। हाँ। आप ज़्यादातर पढ़ाई पर फोकस करिए। हाँ, पढ़ाई पर फोकस करिए, और एक बार पढ़ाई आपका जो रिटर्न निकल जाएगा तो आप अभी तो अभी रनिंग ऐसे अग्निवीर का हो रहा है कि आप उसको अगर 15 दिन या 20 दिन अगर रनिंग करेंगे। हाँ। तो हमारे हिसाब से तो आपका रनिंग निकल जाएगा। माता पिता का आशीर्वाद और हमारा मेहनत रंग लाया कि मैंने वही में रेस मारा 2017 में। हाँ। और नवंबर में भर्ती थी, रेस मारा। हाँ। और उसके बाद आए 20 सर्टिफिकेट था, तो मैं पता किया कितना परसेंट छूट मिलता है इस पर। हाँ। तो बताया कि हमें इतना परसेंट मिलता है, उस हिसाब से मैंने तैयारी किया। और वही एक्सीलेंट रेस था कि माता पिता का आशीर्वाद से मैं 2017 में सिलेक्शन कर गया। आपका शादी कब हो रहा है? अभी मैं शादी नहीं किया हूँ, अभी कुछ सपना है जो अपने सपनों को पूरा कर रहा हूँ। अच्छा, अभी भी आपके पास सपना है? हाँ, थोड़ा सा है, उसको जल्द ही पूरा करने वाले हैं। जब एक नॉर्मल फौजी बने तो फौजी बनने के कितने दिन बाद मतलब आप पैरा कमांडो बने? गया तो पहले तो मैं अदर सेंटर में गया। हाँ। उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। हाँ। सोशल मीडिया पे, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। हाँ। में गए तो पहले तो हम ट्रेनिंग किया 12 महीने का। हाँ। उसके बाद मेरा फर्स्ट पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश में हुआ। फिर मैंने फर्स्ट पोस्टिंग काट के मैं आया जम्मू में। जब मैंने जम्मू में आया तो फिर वहाँ पे पता चला कि पैरा के लिए आता है जो भी है। जो आपको पहले से नहीं पता था कि पैरा भी होता है? नहीं पता था, पर जब मेरे को यह था कि पता नहीं सेंटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर मैंने जब यूनिट में गया तो, यूनिट का नाम नहीं लूँगा। हाँ। जब मैं यूनिट में गया तो फिर डॉक्यूमेंट सेल में जो पता किया कि सर टॉप होता है, हर चीज़ बहुत कुछ मेरे को सजेशन दिए, समझाए। मतलब ठीक है सर, मेरे को जब वैकेंसी उसका आएगा तो मेरे को बताना। उसके बाद मैंने अप्लाई किया, उसका मेरे को टेस्ट हुआ। उसके बाद मैं यूनिट में टेस्ट दिया, फिर मैं वहाँ क्वालिफाइड किया, फिर जाके मेरे को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। मान लीजिए डायरेक्ट पैरा कमांडो बनना चाहते हैं तो बन पाएंगे कि नहीं? डायरेक्ट अगर बनना चाहेंगे तो उसके लिए आपको यहीं से जब आप डिस्पैच होते हैं उसके लिए सेंटर मिलता है। हाँ। जो उसका सेंटर है बेंगलोर में करते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो पैरा कमांडो हो गए। हाँ। वो भी तो अभी सिर्फ पैरा रेजिमेंट है वो। हाँ। उस पैरा कमांडो के बनने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। हाँ। कि आपको पता ही है सब बताना क्या है, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए। ऐसे ना कैसे अपने टारगेट को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हिम्मत हार गए तो आप टूट गए। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप हिम्मत मत हारिए, आप अपने मंजिल को हासिल करिए। मिला जुलाकर जितने लोगों को भी फौज का नौकरी मिलता है ना, फौज का वर्दी जब चढ़ता है ना, तो भले से मतलब वो कैसा भी रहते हैं वो VIP लगते ही लगते हैं, क्योंकि फौज एक ब्रांड है, ठीक है ना, और देश के असली हीरो फौज ही है। तो सभी फौजियों को मैं दिल से सैल्यूट करना चाहूंगा। पर कभी भी एटीट्यूड नहीं रखते हैं। हाँ, ये तो है, एटीट्यूड घमंड नहीं रखना है। देखिए हम जहाँ के हैं तहाँ के, अभी हम आपके हैं तो आपके भाई हैं। आप हमारे भाई हैं, भाई बंधु हैं, तो इसलिए कोई वो नहीं है। जो भी है सम्मान इज्जत से बड़ा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि भैया जी को भाई घर जाना है। अभी ये हमारे घर ही आए थे, क्योंकि पीछे का लोकेशन देखकर आप लोगों को पता चल रहा होगा, यही हमारा लोकेशन रहता है। जय हिंद।